फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म डॉन 3 की तैयारी में जुटे हुए हैं। डॉन और डॉन 2 की कामयाबी के बाद मेकर्स अब डॉन 3 से पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं। कुछ वक्त पहले फिल्म का एक फर्स्ट लुक यानी टीजर भी जारी किया गया था, जिसके जरिए नए डॉन के तौर पर रणवीर सिंह को लॉन्च किया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए मेकर्स एक वक्त पर किसी और एक्टर को लेना चाहते थे? आइए आपको बताते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। उससे पहले आपका ये सस्पेंस भी क्लियर कर देते हैं। हुक एक्टर कोई और नहीं, 2023 में धमाल मचाने वाले रणबीर कपूर हैं, जिन्होंने एनिमल से लोगों का दिल जीत लिया था। मैं एनिमल फिल्म की ही बात कर रहा हूँ। दरअसल डॉन 3 को लेकर लंबे वक्त से ऐसी चर्चा थी कि इसमें भी शाहरुख खान ही दिखाई देंगे, पर शाहरुख की जगह एक नए डॉन के तौर पर रणवीर सिंह का नाम सामने आ गया। लेकिन रणवीर सिंह भी इस रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। शाहरुख के बाद मेकर्स ने रणबीर कपूर को इस रोल के लिए अप्रोच किया था, पर उन्होंने बॉलीवुड का नया डॉन बनने से इनकार कर दिया था। दो दिग्गजों के फिल्म छोड़ने के बाद मेकर्स ने इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया और उन्होंने डॉन 3 के लिए हाँ कर दी। बता दें कि इससे पहले शाहरुख खान ने डॉन और डॉन 2 में डॉन की भूमिका निभाई थी, जो 2006 और 2011 में रिलीज हुई थी। लेकिन इस बार रणवीर सिंह डॉन बनने जा रहे हैं। साल 2023 के अगस्त महीने में रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डॉन 3 का टीजर वीडियो जारी किया था। इसमें उन्हें एक लंबी स्पीच देते हुए दिखाया गया है कि वो कौन हैं और क्या करते हैं। टीजर के एंड में रणवीर सिंह का चेहरा सामने आ जाता है जब वो अपना इंट्रोडक्शन डॉन के रूप में देते हैं। वीडियो को एक नए युग की शुरुआत टाइटल दिया था। फरहान अख्तर की डॉन 3 साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि क्या शाहरुख को रणवीर सिंह कर पाएंगे रिप्लेस, या फिर ये फिल्म क्या उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जिस मुकाम पर शाहरुख ने छोड़ी थी। ये तो सब तभी पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।